जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सात राशियों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। सात ऐसी राशियां जिन पर भगवान शिव जी की प्रसन्न हुए हैं और उनको हर सुख प्राप्त होगा। सात ऐसी राशियां जिनका आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भगवान शिव की कृपा से हर सुख इनको प्राप्त होगा। एक सम राशि यानी कुल मिलाकर के आठ राशियों का भाग्य मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है। श्रावण मास में हम विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो देवता भी भगवान शिव जी को मनाते हैं। यानी जिस प्रकार से मनुष्य भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से सभी देवता भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। और जो ग्रह भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, उनकी जो राशियां होती हैं, उन पर भी भगवान शिव की कृपा होती है। भगवान शिव जी जिस पर अपनी कृपा कर दें, जीवन में हर सुख उनको प्राप्त हो जाता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो भगवान शिव जी ना कर सकें और भक्त को अपने को ना दे सकें, क्योंकि भोलेनाथ महाकाल अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने से भी बहुत महत्व मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। आज मैं सात राशियां ऐसी बता रहा हूं जिनके जो स्वामी हैं वह भगवान शिव के भक्त हैं और श्रावण मास में बहुत ही दुर्बल योग है, बहुत अच्छा योग माना जाता है। दूसरा कि श्रावण मास में काफी समय के बाद ऐसा योग बना है कि शनि अपनी राशि में है, गुरु अपनी राशि में है, मंगल शुभ राशि में है और सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह आप अपने आप में एक बहुत ही अच्छा शुभ योग है। ग्रहण की जैसे स्थिति बदलती है, उसी प्रकार से इंसान पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो ग्रह का स्वामी है, अगर वही धार्मिक प्रगति का हो जाए तो ग्रहण को के साथ में जो राशियां हैं उनको लाभ मिलता है। मानो शनिदेव भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं तो पूरे महीने वो शुभ फल देंगे। शुक्र अपनी शत्रुता को छोड़कर के भगवान महाकाल की पूजा करेंगे तो उनकी जो राशियां हैं उनको स्वतः ही लाभ प्राप्त होगा और जिन राशियों पर उनकी दृष्टि होगी उनको भी लाभ मिलेगा। शनिदेव भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। शुक्र भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं और गुरु भगवान शिव को ईश्वर मान करके पूजा करते हैं। और तीनों ग्रह बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं अब और इनकी जो राशियां हैं उनकी स्थिति अच्छी होने वाली है। श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा करें, ये सात आठ राशि वाले प्रतिदिन भगवान शिव जी का अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। आने वाले वीडियो में मैं सात उपाय बताऊंगा, उन उपायों को आप जरूर करें सातों राशि वाले। और आठवीं जो सम राशि है, ये सारे भगवान शिव की पूजा करें जिससे इनके इष्ट भी प्रसन्न हो जाएं, इनके जो राशियों के मालिक हैं वो भी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत ही पवित्र महीना है और आप देखो श्रावण मास की जो शुरुआत है वो भी सोमवार से हुई है और श्रावण मास का जो समापन है वो भी सोमवार को ही है, 3 अगस्त को, और उस दिन पवित्र रक्षाबंधन भी है। तो बहुत ही अच्छे और शुभ योग बन रहे हैं। भगवान शिव जी की तरफ आप ध्यान देते रहें, भगवान शिव जी की आराधना करें जिससे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब मैं सात राशियों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, कौन कौन सी वह शुभ राशियां हैं जिनका भाग्य उदय हो चुका है और स्वयं महाकाल की कृपा दृष्टि उनके ऊपर है। दोस्तों, पूरे श्रावण के महीने महाकाल शनिदेव की पूजा
शनिदेव महाकाल की पूजा करते हैं। शनिदेव महाकाल को प्रसन्न करते हैं, मनाते हैं, तो इस समय वह अपना जो दंड है उसे शांत कर देते हैं। दंड नायक कहलाते हैं, तो उसे वो शांति प्रदान करते हैं और वह एक महीने के लिए भक्ति में खो जाते हैं। और यही अवसर होता है जो 12 राशि वालों के लिए बड़ा शुभ होता है। सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का बहुत ही अच्छा और शुभ योग है। वृषभ राशि शुक्र के द्वारा भी लाभान्वित होगी और सूर्य के द्वारा बड़ा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि से तृतीय स्थान में सूर्य संचार करेंगे, जो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। वृषभ राशि में शुक्र का गोचर बहुत ही शुभ फलदायक है। दूसरी राशि की बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि में स्वयं बृहस्पति यानी गुरु अपनी राशि में संचार कर रहे हैं और गुरु की अपनी राशि है और अपनी राशि में बैठ करके गुरु धनु राशि का भाग्योदय करेंगे और धन का बड़ा लाभ होगा। पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे, अचानक गया हुआ धन वापस आएगा। व्यापार में आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो वह नजर आएगा और अगर शादी में कोई अड़चन आ रही है तो वो भी आपकी दूर होंगी। तीसरी राशि की बात करते हैं मकर राशि, जिसमें शनि चल रहे हैं और आने वाले कई सालों तक शनि का संचार इसमें रहने वाला है। 2.5 साल इसमें रहेंगे, फिर कुंभ राशि में जाएंगे तो दृष्टि इसके ऊपर भी रहेगी, यानी 5 साल शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि इस पर रखेंगे मकर राशि पर। और शनिदेव की कृपा से मकर राशि वालों को बड़ा लाभ पहुंचने वाला है। शत्रु पक्ष कमजोर होगा, शरीर अच्छा रहेगा, गुप्त योजनाएं बनेंगी और उनमें लाभ मिलेगा। कन्या राशि, अब तक बहुत परेशानियां झेली कन्या राशि ने, बहुत दुख झेले, लेकिन अब शुभ समय कन्या राशि का शुरू। कन्या राशि के जो मालिक हैं बुध शुभ स्थिति में आ रहे हैं और सूर्य की भी कन्या राशि पर शुभ दृष्टि है, यानी कन्या राशि के एकादश भाव में आमन्य क्षेत्र में सूर्य संचार करेंगे, बहुत ही अच्छा योग। कर्क राशि, कर्क राशि में ही सूर्य और बुध का योग चलेगा, इन दोनों की युति कर्क राशि की किस्मत बदलेगी। हालांकि शरीर का ध्यान रखना है, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रत्यक्ष संबंधी पिता से लाभ हर सुख प्राप्त होगा, लेकिन सिर नेत्र संबंधी रोग भी हो सकते हैं, परेशानियां भी हो सकती हैं, तो विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और भगवान महाकाल की पूजा करनी है। जो राशियां मैं बता रहा हूं ये राशि वाले महाकाल की पूजा जरूर करें, लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में धनु जो धन का लाभ करेंगे और मंगल मकान भूमि जायदाद आदि का सुख दिलाएंगे वृश्चिक राशि वालों को, बहुत ही अच्छा वृश्चिक राशि का भाग्य यहां से आगे रहने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के छठे भाव में सूर्य का संचार कुंभ राशि वालों के लिए शुभ कारक रहेगा। शत्रु पक्ष कमजोर होगा, आपकी विजय होगी, अगर कहीं केस वगैरह चल रहा है तो उसमें लाभ मिलेगा। गुप्त जो आपको उलझाने की योजना लोग बना रहे हैं उनमें विफल होंगे, सूर्य आपको तेज प्रदान करेगा। अगर आप किसी टेंशन में हैं तो आपको उस टेंशन भी दूर होगी। आप कोई बिना घर वालों को बताए योजना बना रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन घर वालों की सहमति जरूर लें। तुला राशि, शुक्र की राशि, सूर्य की कृपा से दशम भाव में सूर्य संचार कर रहे हैं, करेंगे 16 तारीख के बाद में तुला राशि के, तो ये तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है।
और श्रावण मास का महीना तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये थी राशियां जिनका शुभ समय शुरू हो चुका है और इनकी जो स्वामी है वो भी शुभ स्थिति में, तो आप के ऊपर बहुत ही अच्छी शुभ योग।